हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं अंडर डॉग्स के बारे में। अंडर डॉग्स का हिंदी ट्रांसलेशन है अभागा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी डिसेबिलिटी जो आपको हरा रही है बेसिकली। जैसे उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको डिसलेक्सिया हो जाए तो आप अभागे हैं। डिसलेक्सिया मतलब ये एक पेज पढ़ने के लिए डिसलेक्सिक को लगता है करीब 2 घंटे 3 घंटे। आप गांव में जाएं किसी बच्चे को देखें, जैसे आज हम लोग गए थे तो एक बेचारा बहुत गरीब बच्चा देखा था हमने उसको। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने कपड़े ठीक से पहन सके, तो वो अभागा है बेसिकली। उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो हमारे आपके पास हैं। लेकिन हम लोगों को देखा जाए तो हम भी किसी न किसी लेवल पे अपने आप को अंडरडॉग्स की तरह देखते हैं। अंडरडॉग मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं लाइफ में, हम उसके लिए अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिटेड पाते हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं अंडरडॉग्स हैं। तो अंडरडॉग्स को क्या करना चाहिए कि वो ऊपर उठ सकें? तो ये कह रहा है आज के चैप्टर में कि अंडरडॉग्स हैव टू बी द स्टूडेंट्स ऑफ नॉनसेंस, NANUANCES। आपने पूछा था ना उसे, नॉनसेंस का मतलब, नॉनसेंस का मतलब छोटी छोटी बारीक चीजें, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें जो आमतौर पर हम मिस कर जाते हैं। अंडरडॉग्स हैव टू बी स्टूडेंट्स ऑफ नॉनसेंस ऑफ वाइट एक्सप्रेशन। यहां पर जो कहानी चल रही है उसमें दो लोग हैं, एक है अंग्रेज हैं जो गोरे हैं और दूसरे अंग्रेज हैं जो काले हैं। और सिविल राइट चल रहा है, सिविल राइट मतलब निग्रोज फाइट कर रहे हैं अमेरिका में अपने आप को सिविल राइट दिलवाने के लिए। सिविल राइट मतलब जो अधिकार अंग्रेजों का है वही अधिकार हमको भी मिले। तो ये कह रहा है कि जो अंडरडॉग्स है मतलब निग्रोज, they have to be good students of nonsense of white expression। जो white लोग कैसे express करते हैं अपनी चीजों को उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा उनको। The hang of their head, उनकी मुंडी कैसे हिलती है। The depth of their tone, उनकी आवाज का टोन का गहराई कितना है। और sharpness of tongue या उनकी जुबान की sharpness कैसी है। आज मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने बहुत select करके भेजा मैंने किसी को, उसमें गांधी जी जेल में गए साउथ अफ्रीका, और अमरीश पुरी भी हैं उसमें। उस फिल्म में गांधी का रोल तो किया है बेन किंग्सले ने और अमरीश पुरी इज वेरी बिग बिजनेसमैन। तो जब जेल में गांधी जी आ रहे हैं तो खाना दे रहे हैं अमरीश पुरी, तो अरे लुक आप भी यहां पर, लगता है किसी को छोड़ा नहीं अंग्रेजों ने, सबको गिरफ्तार कर लिया। बोलते हैं सबको नहीं, आप सब मेन सरप्राइज है, आपको पकड़ लिया उन्होंने। तब तक से उधर से आवाज आती है गांधी, आई वॉन्ट गांधी। अंग्रेज था उसको गांधी बोले नहीं आता था, उसको बुलाया लेकर गए। तो वहां गांधी जी अंदर गए, उनको पकड़कर लेकर गए हाथ। वहां पर कोई जनरल, कोई बड़ा ऑफिसर था, उसके सामने खड़ा किया। तो गांधी ने बोला कम ऑन गांधी हैव अ सीट, नहीं पहले बोला कि यू विल हैव सम ड्रिंक अल्कोहल, नो थैंक यू, पर हैव सम टी, नहीं आई डाइंड इन द जेल, मैंने जेल में खा पी लिया है। फिर बोलता है ठीक है बैठो। फिर वो बोलता है अंग्रेज कि तुमने जो विद्रोह किया था, उन्होंने विद्रोह ये किया था कि जो अंग्रेजों के पास राइट्स हैं वो हमारे को भी मिले, ब्लैक को भी, इंडियंस को भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने वो भेजा है, आपको डायलॉग सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमने भेजा है रिक्वेस्ट और वो शायद पूरी हो जाए। तो गांधी जी इसमें बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप उस डायलॉग में देखेंगे, उसने बेन किंग्सले ने इतने अच्छे से फिल्म बनाई भी है कि बहुत बारीक बारीक चीजों को उसमें डाला, दिखाया गया है, हम लोगों को दिखाया गया है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको वो आपके जो लेजिस्लेशन है वो तो बदल जाएगा, आपको राइट्स मिल जाएगा वोट करने का, लेकिन उसमें इंडियंस को फ्यूचर में यहां आने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। फिर वो देखता है गांधी जी को, अब क्या करेगा ये? तो गांधी बोलते हैं कि हम तो खाली ये चाहते थे कि हमारा राइट्स हमको मिले, और इंडियंस यहां पर आए या ना आए वो हमारी फाइट का कॉज नहीं था, वो तो दूसरा इशू है। अब चूंकि हम एडवांटेज में हैं, मैं नहीं देखता कि मुझे क्यों फाइट करना चाहिए आपके साथ। ठीक, उसके बाद वो बोलता है ठीक है, जितने भी कैदी हैं मैं सबको 24 घंटे के अंदर छुट्टी दे रहा हूं, और जहां तक आपका सवाल है आप अभी से इसी सेकेंड से आप फ्री हैं।
वो गांधी जी खड़े होते हैं, जेल का कपड़ा पहन रखा था उन्होंने, बोलते हैं ये जनरल उनसे पूछता है, हम लोग अग्रीमेंट में है ना, मतलब हम लोग की बात हो गई पक्की ना? उसने कहा बात तो पक्की हो गई, लेकिन इन कपड़ों में मैं टैक्सी में जाना चाहूंगा और मेरे पास पैसे नहीं है। तो जनरल बोलता है मेरे पास भी पैसे नहीं है, जेब में उसके पैसे था ही नहीं। फिर वहां पर एक और अंग्रेज था, सूट पहन के आया था, डैनियल इनको 1 शिलिंग दे दो। उसको समझ नहीं आया, वो बाहर खड़ा था ना, असल में इन लोगों की बातचीत उसने सुनी नहीं थी। उनको लगा ये तो जेल में कैदी पकड़ के लेकर आया हूं मैं, इसको 1 शिलिंग दिला रहा है, इनको पैसे दिला रहा है। बोलता है सुनो इनको टैक्सी में कहीं जाना है, अब कहां तक जाओगे गांधी? बोलता है मैं तो सुनो इंडिया चला जाऊं सीधे, लेकिन फिलहाल 1 शिलिंग काफी है। तो उसको 1 शिलिंग देता है। अच्छा एक बहुत खास चीज उसके बाद है, जब ये बाहर जाने लगते हैं गांधी जी, तो डैनियल उसके साथ साथ जाता है, तो गांधी जी उसको मना करते हैं, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं वापस जा रहा हूं, मैं अपना रास्ता अकेले खोज लूंगा। क्यों ऐसा किया उन्होंने? या वो फ्री हैं, उसके पहले तो कैदी थे ना, वो सीन में दिखाऊंगा आपको, मैंने अलग से रिकॉर्ड करके उसको व्हाट्सएप करने के लिए रखा है मैंने। तो उन जैसा आदमी, उसने बारीकी देखी, वो लोग चाहते थे कि आप प्रोवोक हो जाएं, गांधी जी प्रोवोक हो जाएं और कुछ नाटक दिखाएं, बट ही वॉज लुकिंग एट द नॉन्सेंस ऑफ इंग्लिशमैन, इसलिए वो अपना काम करा पाए। नेगोशिएशन आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने से मजबूत लोगों के नॉनसेस, नॉनसेस मतलब बारीकियां, उस आदमी की छोटी छोटी चीजें, आप कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो कब थोड़ा उसकी आवाज में टोन कब बढ़ रहा है, टोन कब हल्का हो रहा है। बच्चे अगर पेरेंट्स के नॉनसेस और टीचर्स के नॉनसेस को पकड़ना शुरू कर दें तो वो कंट्रोल कर सकते हैं टीचर्स और पेरेंट्स को। आमतौर पे हम बहुत बारीकी से देखते नहीं उनको, और वैसे वैसे पेरेंट्स बच्चों की हर हरकत को बहुत बारीकी से जज करते हैं, इसलिए वो कंट्रोल कर पाते हैं बच्चों को, या तो मारपीट कर या तो बोलकर। अगर हम किसी के ऊपर जीतना चाहते हैं तो हमको सामने वाले का क्या देखना पड़ेगा? नॉन सेस। क्या देखना पड़ेगा? नॉन सेस, नॉनसेंस नहीं है, नॉन सेस। बोलता है देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट, उन बेचारे काले लोग इसी पर डिपेंड करते हैं, और सर्वाइव करेंगे तभी जब वो बारीकी से देखेंगे। बट दोज इन पोजिशन ऑफ पावर हैव नो नीड टू लुक एट द वीक, जो लोग पावर में हैं उनको वीक लोगों के ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो पावर में है। डियर हैड डिजडेन फॉर द लोली टेरापिन, कल हमने कहानी पढ़ी थी ना, एक एक वो था डियर, डियर मतलब हिरण, और एक था टर्टल, तो दोनों की कंपटीशन हुई, टर्टल जीत गया दौड़ में। पता है कैसे? उसने क्या किया, लंबी रेस थी और जो जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे वहां पर अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया, और खुद आकर के जो विनिंग जगह है वहां से जस्ट थोड़ा सा पहले बैठ गया, और जब दौड़ रेस चालू हुई तो एकदम शुरुआत में एक टर्टल, फिर आधे किलोमीटर पे एक और टर्टल, ऐसे करते करते हर जगह पर एक एक टर्टल थे। तो बेचारा ये दौड़ कर आता हिरण, फिर देखा तो एक कोने में टर्टल कुटर 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 चल रहा है। फिर ऐसे करते करते वो जब फाइनल पोस्ट पे पहुंचा तो देखा वहां पर एक टर्टल विनिंग पोस्ट पे जीत गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग ऊपर के थे वो नीचे वालों को देखते नहीं कि वो लोग उनमें कुछ डिफरेंस है कि, उनके लिए सारे टर्टल एक टर्टल जैसे हैं, क्योंकि उनको नॉनसेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती नीचे वालों की। तो वही बोल रहा है, डियर हैड ए डिस्टेन फॉर लोली टेरेपिन, टेरेपिन उस टर्टल का नाम है। बोलता है वो टेरेपिन के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देता, टू हिम टर्टल वॉज अ टर्टल, उसके लिए सारे टर्टल एक जैसे। द कंफर्टेबल एलीट बर्मिंगहम वर जस्ट लाइक डियर, जो अमीर लोग थे बर्मिंगहम के, गोरे लोग, वो डियर की तरह थे। दे कैन ओनली सी थ्रू व्हाइट आईज, उनकी आंखें सफेद थी, खाली सफेद लोगों को देख पाते थे बस। वॉकर एक्सप्लेन ग्लीफुली दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन नीग्रो डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड नीग्रो स्पेक्टेटर्स। कल हमने पढ़ा था ना, 14-15 डेमोन्स्ट्रेटर आते थे और 600-700 हजार लोग आते थे देखने वाले, लेकिन अखबार वालों को पता ही नहीं चलता था कौन डेमोन्स्ट्रेटर हैं और कौन कौन है स्पेक्टेटर हैं। तो अखबार में छपता था 1000 डेमोन्स्ट्रेटर आ गए। बोलता है ऑल दे नो इज निग्रोज, उनके लिए सारे के सारे क्या थे? निग्रोज, निग्रोज मतलब ब्लैक पीपल। कॉनर वॉज द पुलिस कमिश्नर ऑफ द प्लेस,
Connor was an arrogant man who liked to swagger around Birmingham saying, down here we make our own law. Swagger मतलब होता है अकड़, बोलता है बहुत ही arrogant, घमंडी आदमी था और वो अकड़ के साथ घूमता था और बोलता था इस जगह का कानून कौन बनाता है, हम लोग खुद बनाते हैं. He sat drinking his bourbon every morning at Malton Hotel, loudly predicting that king would run out of niggers. बोलता है अपने होटल में बैठकर दारू पीता था और कहता था ये इसको आदमी खत्म हो जाएंगे, बहुत दिन बहुत इसके आदमी बचेंगे नहीं, he'll run out of niggers. Now he looked out of window and saw terrapins ahead of him at every turn. बहुत अच्छे से लिखा है. टेरापिन मतलब टर्टल. बोलता है वो बाहर देख रहा है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ढेर सारे काले लोग घूम रहे हैं. He was in shock. उसको समझ में नहीं कहां से इतने लोग आ रहे हैं. Those imaginary 1000 protesters were provocations. और इतना ढेर सारे हजारों प्रोटेस्टर्स को देखा तो उससे क्या हो गया, वो प्रोवोक हो गया. प्रोवोक मतलब, प्रोवोक वही होता है जब आप अपने पापा को बोलते हैं पापा मैं 5 बजे आऊंगा और 5:30 बजे पहुंचते हैं, तो पापा क्या होते हैं, प्रोवोक. एक दिन मैं घर पे पहुंचा 7 बजे, आने का टाइम था 6 बजे, आया कितने बजे, 7 बजे. मेरी जो धुलाई हुई है उस दिन बहुत तेज धुलाई हुई, ऊपर से एक और चीज कर दिया मैंने, झूठ बोल दिया मैंने. कॉलेज जाना था, कॉलेज गया ही नहीं, कहीं और घूम के आया. मैंने क्या किया अपने माँ बाप को, प्रोवोक. प्रोवोक मतलब उकसाना, भड़काना, उकसाया. दोज इमेजिनरी 1000 प्रोटेस्टर्स वर प्रोवोकेशंस. थर्ड पैराग्राफ पे हम लोग, बुल कॉनर हैड समथिंग इन हिज माइंड अबाउट नॉट लेटिंग दीज निगर्स गेट टू सिटी हॉल. ये एक बहुत खास लाइन है ये, अगर इसकी जगह बुल कॉनर की जगह प्रिचेट होता, प्रिचेट मतलब जो पिछली एल्बनी में था एक और कमिश्नर था, बहुत समझदार था. कल मैंने फेसबुक पे एक लाइन डाली है, इफ यू डोंट गिव ईवल टू अपोज यू विल नेवर लूज. अगर आप किसी ईवल को लड़ाई करने के लिए कुछ दोगे नहीं तो आप कभी हारोगे नहीं. बेसिकली ताओते चिंग में लाउत्से ने कहा है कि अगर मैं किसी से हार ही नहीं सकता बेसिकली, तो उससे किसी ने कहा आप कैसे हारेंगे नहीं, आप तो पतले दुबले हैं और लोग हट्टे कट्टे हैं. बोलता है कुश्ती में मैं किसी से हार नहीं सकता. उसने कहा कैसे, बोलता है जब वो कोई मुझे हराने आएगा तो मैं नीचे पड़ा लेट जाऊंगा चारों खाने छिप, तो कैसे हराएगा कोई मुझे, पहले से हरा रहूंगा. बोलता अगर किसी को हराने के लिए कुछ दोगे ही नहीं, तुम पहले से हार जाओ तो कुछ कर नहीं पाएगा. तो ये कह रहा है कि लेकिन इसका दिमाग खराब था. बुल कॉनर थोड़ा घमंडी टाइप का था और उसके दिमाग में था, ही हैड समथिंग इन हिज माइंड अबाउट नॉट लेटिंग दीज निगर्स गेट टू द सिटी हॉल. इन निगर्स को मैं सिटी हॉल तक नहीं पहुंचने दूंगा, रेजिस्टेंस दे रहा था वो. उसके दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा सवार था. अगर प्रिचेट होता तो बोलता है जाने दो, सिटी हॉल जाने दो, क्या फर्क पड़ता है. वॉकर सेड, व्याट वॉकर की कहानी चल रही है. वॉकर बहुत चालाक धूर्त निग्रो था जो कि सारी प्लानिंग करता था इनके लिए. बोलता है वॉकर सेड आई प्रे दैट ही वुड कीप ट्राइंग टू स्टॉप अस, बर्मिंगम वुड हैव बीन लॉस्ट इफ बुल हैड लेट अस गो डाउन द सिटी हॉल एंड प्रे. बोलता मैं मनी मन भगवान से प्रार्थना करता था कि अंग्रेज हमको रोके और ना जाने दे, क्योंकि अगर हमको नहीं रोकेगा हम जाकर के वहां प्रेयर कर लेंगे तो मूवमेंट कहां से आएगा. मूवमेंट कब आता है, जब दो पार्टी खड़ी होती है लड़ाई करने के लिए, एक काम कर रहा है और एक कुछ नहीं बोल रहा है, तब कुछ मूवमेंट नहीं होता. ताली हमेशा किससे बजती है, एक हाथ से और एक गाल से. हाथ से भी बजती है, गाल से भी बजती है. तो बोलता है मैं प्रार्थना करता था कि काश वो हमको रोके. बर्मिंगम वुड हैव बीन लॉस्ट इफ बुल हैड लेट अस गो डाउन द सिटी हॉल एंड प्रे. अगर हमको जाने दिया होता तो बर्मिंगम भी हार गए होते हैं पिछले सिटी की तरह. इफ ही हैड लेट अस डू दैट एंड स्टेप असाइड व्हाट एल्स वुड बी न्यू. बोलता अगर छोड़ दिया होता, हमको जाने दिया होता, तो कौन सी नई बात होती. देयर वुड बी नो मूवमेंट, नो पब्लिसिटी, कोई पब्लिसिटी नहीं थी. प्लीज ब्रायर कॉर्नर, प्लीज व्हाट एवर यू डू डोंट थ्रो मी इन द ब्रायर पैच. ये कहानी है वो जो हम लोग पढ़ रहे थे ना खरगोश की. खरगोश लोमड़ी को बोलता है कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे ब्रायर पैच में मत फेंको. ब्रायर पैच मतलब कांटों वाली झाड़ियां. जब वो फंस गया खरगोश, उसके ऊपर डामर अमर लगा हुआ था और लोमड़ी उसको आई पकड़ के खाने के लिए, तो बोलता है अब मैं तेरे साथ क्या करूं. तो बोलता है कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमको ब्रायर पैच में मत फेंकना. ब्रायर पैच मतलब
कांटों वाली झाड़ियां, तो उसने सोचा अच्छा ब्रायर पैच में फेंकूंगा, तो उसने उठा उसको फेंक दिया। और ब्रायर पैच उसके लिए बड़ा आराम आराम की चीज थी, बोलता है ब्रायर पैच में तो मैं पैदा हुआ हूं। तो यही बोल रहा है मनी मनी, ये बोल रहे हैं कौन, वेट वॉकर, कुछ भी करो कुछ भी करो, हमको ब्रायर पैच में मत फेंको, मतलब हमको जेल में डालो। एंड ऑफकोर्स दैट्स जस्ट वॉट कॉनर डिड, और कॉनर ने वही किया जो वो चाहते थे। बोलो क्या चाहते थे? A month into protest, एक महीने से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वॉकर एंड किंग, किंग कौन है? राजा नहीं है, मार्टिन लूथर किंग, ये इनको भी नोबेल प्राइज मिला है गांधी जी की तरह, ये भी बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। वॉकर एंड किंग स्टेप्ड अप द प्रेशर, उन्होंने प्रेशर बढ़ाया। कैसे प्रेशर बढ़ाया मूवमेंट का? वन ऑफ द बर्मिंगम टीम जेम्स बेवल हैड बीन वर्किंग विथ लोकल स्कूल चिल्ड्रन, इंस्ट्रक्टिंग देम इन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। वो स्कूल में बच्चों को सिखा रहे थे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अगर आप मां बाप के साथ लड़ाई करना चाहते हैं तो इसको यूज करिए। कौन सा? नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस? हम लोग का जो रेजिस्टेंस होता है वायलेंट होता है, बात नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, शांत ऐसे। तो दिखा रहा था कि कैसे हम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करें। बेवल वॉज पेट पाइपर, पता है पेट पाइपर कौन था? बैक पाइपर का नाम सुना है? बैक पाइपर कौन था? बजाते हैं बैक पाइप, एक बड़ी सी इंस्ट्रूमेंट होती है, ढेर सारे उसमें से ट्यूब निकले होते हैं, वो बजाते हैं। और पेट पाइपर ऐसा सिंगर था, ऐसा बजाने वाला था कि जब वो गाना गाता था सारे बच्चे उसके पीछे पीछे आते थे। तो बोलता है बेवल वॉज अ पेट पाइपर, अ टेल बैल्ड हिप्नोटिक स्पीकर। हिप्नोटिक स्पीकर मतलब हिप्नोटिक सम्मोहन, बोलता था लोग सम्मोहित हो जाते थे। हु वोर अ यार्म लाइक एन अ बिब ओवर ओवरऑल एंड क्लेम्ड ही टू हियर वॉइसेस, और लंबे लंबे गाउन टाइप के कपड़े पहनता था अजीबोगरीब, और दुनिया से कहता था मुझे ना दूसरी दुनिया से आवाजें सुनाई देती है, मेरी तरह पागल था वो। मैक वॉटर कॉल्स हिम अ मिलिटेंट आउट ऑफ डॉक्टर सुसी, डॉक्टर सुस पता नहीं क्या है। ऑन द लास्ट मंडे इन अप्रैल, अप्रैल के आखिरी मंडे को ही ड्रॉप्ड ऑफ लीफलेट्स एट ऑल ऑफ द ब्लैक हाई स्कूल्स अराउंड द काउंटी। मतलब मंडे को, आखिरी अप्रैल का आखिरी मंडे था, उसने लीफलेट बनाया। लीफलेट मतलब पैम्फलेट्स, कागज के पीसेस, और सभी स्कूलों में छोड़ आया। कम टू 16th स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च एट नून ऑन थर्सडे, थर्सडे को आफ्टरनून में चर्च में आना है। डोंट आस्क परमिशन, किसी से पूछना मत स्कूल वालों से, बस चले आओ छोड़ छाड़ के। द सिटी मोस्ट पॉपुलर ब्लैक डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी कौन होता है? आप लोग जाते नहीं डिस्को? उसको नहीं जाते आप लोग? आप लोग लखीमपुर में डिस्को नहीं जाते? वहां होता है? मुझे भी नहीं पता कहां होता है। तो सबसे फेमस जॉकी था वहां का, उसका नाम था द प्ले बॉय स्टीवन, सेंट आउट सेम मैसेज टू हिज यंग लिसनर्स, किड्स देयर इज गोना बी पार्टी एट द पार्क, पार्टी होने वाली पार्क में। द FBI गॉट विंड ऑफ द प्लान एंड टोल्ड बुल कॉर्नर, FBI को मालूम पड़ गया, और उन्होंने किसको बताया? बुल कॉर्नर कमिश्नर को, हु अनाउंस्ड दैट एनी चाइल्ड हु स्किप्ड स्कूल वुड बी एक्सपेल्ड, जो स्कूल छोड़कर जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और बच्चे तो चाहते हैं स्कूल से निकाल दो। इट मेड नो डिफरेंस, द किड्स केम इन ड्रोव्स, किड्स कैसे आए? ड्रोव्स में, ड्रोव्स मतलब झुंड के झुंड आए। सोशल प्रूफ, वॉकर कॉल द डे द चिल्ड्रन अराइव्ड डी डे, जिस दिन बच्चे आए थे उसका नाम क्या रखा? डी डे। एट 1 o'clock, 1 बजे द डोर ऑफ द चर्च ओपन्ड, चर्च का दरवाजा खुला, एंड किंग्स ल्यूटेनेंट्स बिगैन सेंडिंग द चिल्ड्रन आउट, और किंग के जो ल्यूटेनेंट्स थे मतलब उनके सिपाही थे, उन्होंने बच्चों को भेजना बाहर शुरू कर दिया। दे हेल्ड साइंस, उन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड लिखे थे, फ्रीडम और आई विल डाई टू मेक दिस लैंड माई होम, हमको आजाद करो नहीं तो इस धरती पर हम अपने आप को मार डालेंगे अपना घर बनाने के लिए। दे सैंग वी शैल ओवरकम, किंजल सिंह मैम के व्हाट्सएप पर लिखा है आई शैल ओवरकम, मैं इसको पार पा जाऊंगा, एंड गो टू लेट नोबडी टर्न मी अराउंड, मैं किसी को अपने को टर्न अराउंड नहीं करने दूंगा। Outside the church, Connor's police officer waited. बाहर पुलिस वाले वेट कर रहे थे कॉनर के। The children dropped to their knees and prayed and filed into the open door of the paddy wagon.
बच्चे बैठ बैठ करके यहां पर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे. देन अनदर डजन केम आउट, फिर एक और डजन आ गए. देन अनदर डजन, फिर एक और डजन, एंड अनदर, अंटिल कॉनर्स मेन हैड बिगन टू गेट एन इंकलिंग दैट द स्टेक्स हैड बीन रेज अगेन. ये बच्चे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे, और फिर पुलिस वाले को लगा ये तो यार खत्म ही नहीं हो रहा है, स्टेक बढ़ गया है. स्टेक मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात हो रही है. इंकलिंग मतलब होता है उसको इशारा मिलना शुरू हो गया. स्टेक्स हैड बीन रेज्ड अगेन मतलब मैं सोच रहा था छोटी मोटी बात है लेकिन ये तो बड़ी बात हो गई, दांव पर जो लगा था वो बड़ा हो गया. पुलिस ऑफिसर स्पॉटेड फ्रेड शटलवर्थ, पुलिस ऑफिसर ने किसको पाया, एक और सन की. फ्रेड शटलवर्थ ऐसा आदमी था कि जब पहली बार इसके घर में बॉम्ब फेंका गया और ये बच गया, चर्च का फादर था, बोलता है भगवान ने मुझे बचा लिया है, जाओ उनको बोल दो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. तो एक और पागल. तो फ्रेड शटलवर्थ को पुलिस ने पकड़ा, बोला हे फ्रेड हाउ मेनी मोर यू गॉट, कितने तुम्हारे पास और बच्चे, बोलता है एटलीस्ट 1000 मोर, ही रिप्लाइड 1000 और हैं. गॉड ऑलमाइटी द ऑफिसर सेड, हे भगवान, बाय द एंड ऑफ द डे मोर देन 600 चिल्ड्रन वर इन जेल. जेल में कितने इकट्ठे हो गए, 600 बच्चे. तकरीबन वही हालत थी जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस की हो गई थी, जेल भर गया था पूरा. द नेक्स्ट डे, अगले फ्राइडे को वॉज डबल डी डे, डबल डी डे था. दिस टाइम 1500 स्कूल चिल्ड्रन स्किप्ड स्कूल टू कम डाउन टू 16th स्ट्रीट बैप्टिस्ट. हम लोग भी एक दिन स्कूल बंक करेंगे और जेल जाएंगे, पापा मम्मी मुझे मार देंगे तुम लोग के. हम लोग ये करेंगे कि होमवर्क नहीं होना चाहिए, होमवर्क नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए खिलाफ होमवर्क, नो होमवर्क, नो होमवर्क, नो एग्जाम्स, नो एग्जाम्स, नो एग्जाम्स. मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, बाकी बच्चों को घर पे भेज दिया जाएगा. ये मेरे साथ रहेगा शटलवर्थ, ये शटलवर्थ रहेगा और मेरा व्याट वॉकर वो रहेगा, मैं बनूंगा किंग, मार्टिन लूथर किंग. द स्ट्रीट सराउंडिंग केली इन ग्राम पार्क वॉज बैरिकेटेड बाई पुलिस एंड फायर फाइटर्स. बैरिकेड मतलब रस्सी से अलग कर दिया गया था, पुलिस ने अलग रस्ते पे अलग कर दिया था. देर वॉज नो मिस्ट्री अबाउट वाई फायर फाइटर हैड बीन कॉल्ड इन, इसके बारे में कोई छुपी हुई बात नहीं थी, फायर फाइटर्स को क्यों बुलाया गया था. फायर फाइटर्स कौन होते हैं, फायर फाइटर आग बुझाने वाले, क्यों बुलाया गया था उनको, आग लगने वाली थी, नहीं. दे हैड हाई प्रेशर होजेस, हाई प्रेशर क्या था उनके पास, होज, होज मतलब पाइप, ऑन देयर ट्रक्स, फायर ट्रक्स एंड द वॉटर कैनन्स, और पानी के भरे भरे कैनन्स थे. एज दे वर ऑल्सो नोन हैड बीन इन द स्टेपल ऑफ क्राउड कंट्रोल सिंस 1930s इन अर्ली डेज ऑफ नाजी जर्मनी. उनको क्राउड कंट्रोल के लिए बुलाया गया था. वॉकर न्यू दैट इफ द डेमोन्स्ट्रेशन ग्रू सो लार्ज दैट दे वुड ओवरवेलम द बर्मिंगम पुलिस, कॉनर वुड बी सोरली टेम्प्टेड टू टर्न द होसेस. उसको पता था कि अगर भीड़ बढ़ गई तब ये पाइप निकालेंगे और हमारे ऊपर पानी फेंकेंगे. अब सोचिए पूरे टाइम में कंट्रोल में कौन है, पुलिस, ये लोग हैं. लेकिन आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पुलिस कंट्रोल कर रही है. ही वॉन्टेड कॉर्नर टू टर्न द होसेस, वो चाहता था कि कॉर्नर अपना होसेस चालू कर दे. सोरली मतलब सीरियसली, ओवरवेल मतलब अगर हरा दिया हमने. He wanted Connor to turn on the horses. It was hot in Birmingham. Birmingham गर्मी भी बहुत थी. He explained, उसने बताया. I told Bevel to let the pep rally go on while and let these firemen sit out and bake the sun until their tempers were like hair triggers. बोलता उनको बाहर धूप में गर्म होने दो, गर्मी से पसीना होने दो, गर्मी आने दो, इतना गर्म हो जाने दो कि पाइप चालू करके हमारे पर पानी फेंकें. And dogs, और कुत्तों को क्यों बुलाया गया था. Connor had been itching to use the city's canine corps. Canine पता है क्या होता है, canine, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है canine बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, कुत्ते होते हैं उनके पास ज्यादा canines होते हैं, तो कुत्तों को बोलते हैं canines. उनके पास ढेर सारे canines थे. Earlier that spring in speech Connor had vowed to combat the civil right protesters with 100 German shepherd police dogs. उसने पहले कहा था अखबार वालों को अगर ये नहीं माने ना तो 100-100 कुत्ते ले आऊंगा, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ूंगा, वाव किया था, कसम खाया था. आई वॉन्ट एम टू सी डॉग्स विद 100 जर्मन शेपर्ड पुलिस डॉग, सॉरी आई वॉन्ट एम टू सी डॉग्स वर्क, मैं चाहता हूं मेरे कुत्ते काम करके दिखाएं इनको. कॉनर ग्राउल्ड एज थिंग्स बिगैन टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल इन केली इन ग्राम पार्क. गुर्रा रहा था कुत्तों की तरह. एंड नथिंग मेड वॉकर हैप्पियर देन दैट. लेकिन जब वो गुर्राता था
तो वॉकर को बड़ा अच्छा लगता था, और कर यही तो हम चाहते हैं। He had children marching in the street and now Connor wanted to get German Shepherd loose on them. और वो लोग मार्च कर, और चाहता था, कॉनर चाहता था कि अब जर्मन शेपर्ड उनके ऊपर कूद जाए। Everyone in King's camp knew what it would look if someone published the photograph of a police dog lunging at the child. सबको पता था अगर पुलिस का कुत्ता एक बच्चे के ऊपर कूद रहा है और उसकी फोटो खींच करके अखबार में डाल दी तो कैसा दिखाई देगा, हाहाकार मच जाएगा, प्रेस में न्यूज बन जाएगा। जो आप बोल रहे हैं लाइक, अगर फेसबुक होता हजारों लाखों लाइक एक सेकंड में मिल गए होते। मुझसे कल राम जी बोलते हैं, भैया मेरा फेसबुक का पेज खराब है। मैंने कहा क्यों? वो बेचारे मोदी जी के पेज पर एक लाइक दबाएं तो मालूम पड़ा 9000 लाइक है, 9030 लाइक हो जाता था। तो एक साथ 30 लाइक हो रहा है, फिर दबाया 40, 41, 55। हम लोग को समझ में आए ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा जरूर पैसा खिलाया होगा फेसबुक वालों को। तब मुझे आइडिया आया, नहीं राम जी जैसे कम से कम 1000 लोग कहीं कहीं ना कहीं अपना बटन दबा रहे होंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता तो फटाफट लाइक मिल गए होते। लेकिन उस समय फेसबुक था नहीं, तो इसलिए निगर्स कुछ कर नहीं पाए बेचारे, बट ये किया। सबको पता था कि क्या होगा। एवरीवन इन किंग्स कैंप न्यू दिस। कॉनर स्टूड वॉच एज द चिल्ड्रन केम क्लोजर। जब बच्चे और नजदीक आए, डू नॉट क्रॉस ही सेड, इसके पार मत जाना ही सेड। इफ यू कम एनी फर्दर आई विल टर्न द फायर होसेस ऑन यू। अगर और नजदीक आए तो मैं पानी फेंक दूंगा तुम्हारे पर। कॉनर्स जेल वर्क फुल। कॉनर का जो जेल था पूरा भर चुका था। ही कुडंट अरेस्ट एनी मोर एनी वन एल्स बिकॉज ही हैड नो वेयर टू पुट देम। उनको कहां रखे बेचारा। द कॉनर्स जेल वर फुल। उनका जेल भर चुका था। ही कुड नॉट अरेस्ट एनी वन एल्स। और किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज ही हैड नो वेयर टू पुट देम। कहां रखेगा उनको। द चिल्ड्रन केप्ट कमिंग। और बच्चे आते रहे। फायरमैन वॉज हेजिडेंट। फायरमैन जो था हेजिडेंट था पानी फेंकने के लिए। दे वर नॉट यूज टू कंट्रोलिंग क्राउड्स। क्राउड्स कंट्रोल करना उनको नहीं आता था। The corner turned the fire chief, turned to fire chief, turn them on and go home. बोलता है पानी चालू करके तुम लोग घर जाओ। The firemen turned on their monitor guns. गन चालू किया। Valve that turned the spray their hose into high pressure torrent. उसको वाल्व चालू किया, उससे पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। Children clung to one another. एक दूसरे का हाथ बच्चों ने पकड़ा। And were sent sprawling backward. लेकिन पानी से वो लोग पीछे की तरफ फेंक दिए गए। The force of the water ripped some of their marchers' shirt from their bodies and flung others against the vault's doorway. पानी की फोर्स से कुछ बच्चों का तो कप शर्ट निकल गया और बाकियों को डोरवे पर पीछे फिक गए वो। Back at the church, और चर्च पे क्या हुआ? Walker began deploying waves of children to other end of the park to open another front. यहां पर बच्चे डील कर रहे हैं और वहां पर और बच्चे फेंक रहा है। वेव्स आ रही हैं बच्चों की। Connor had no more fire truck. उसके पानी खत्म हो गया बेचारे का। But he was determined that none of these marchers cross into the white Birmingham. लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि कोई भी बच्चा, काला बच्चा गोरों की तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों पता नहीं क्यों कसम खा रखा था। Bring the dogs. कुत्तों को ले आओ। Connor ordered, calling in 8 canine units. 8 कुत्तों को ले आए। Why did you bring old tigers out? बोलता है पुराने बूढ़ों को क्यों ले आए हो। Connor shouted at one of his police officers. डांट के बोला एक को। Why didn't you bring the meaner dogs? ज्यादा खतरनाक वालों की क्यों नहीं लेकर आए। This one is not so vicious one. ये उतना विशेष नहीं, उतना खतरनाक नहीं लग रहा है। The children came closer. और बच्चे और नजदीक आ गए। German Shepherd lunged at a boy. और German Shepherd क्या हुआ? कूद कर एक बच्चे पर कूदा। He leaned in. और वो बच्चा और आगे आ गया। Arms limp. और अपने आप को बचाया नहीं, आर्म्स ऐसे लटक रहा था उसका। As if to say, ऐसा लगा था जैसे वो ये बोल रहा है, Take me. Here I am. मुझे ले लो, मैं यहां पर हूं। On Saturday, the picture ran on the front page of every newspaper around the country. ये चीज़ वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से न्यूज बन सके। मुझे याद है जब मैं अपने घर की लड़ाई मैंने जीती थी, पहले तो खूब लड़ा भागा, लास्ट मैंने कहा तुम्हें जो करना है कर लो। मैंने अल्टीमेटली गिवअप कर दिया, लेकिन गिवअप इस तरह से नहीं किया कि जो माँ बाप बोल रहे हो मैं करूं। मैंने गिवअप किया, ठीक है तुम जो बोल रहे हो तुम करते रहो और जो मुझे ठीक लगेगा मैं करता रहूंगा और घर में रहूंगा। बोलते थे खाना खाओ, मैं कहता भूख नहीं लगी है मुझे, एक रोटी तो खानी पड़ेगी, एक रोटी खा लेगी। मेरा वजन कम होते 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 62 से कम होते होते 41-42 हो गया था। फिर
फिर मुझे मिली रिम्पी, उसने कहा अगर 55 किलो वजन नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने एक महीने में 55 किलो कर लिया, फिर वजन अपना बढ़ाकर। छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़िए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलता है दिस वॉज रनिंग थीम विथ वॉकर, वॉकर की थीम थी। वन टाइम इन बर्मिंगम, बर्मिंगम एक बार क्या हुआ, द सिटी फाइल्ड एन इंजंक्शन अगेंस्ट साउथ सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस विच मेंट दैट वॉकर हैड टू अपियर इन द कोर्ट। पुलिस ने केस कर दिया निग्रोस के ऊपर, उनकी ग्रुप के ऊपर, तो वॉकर को कहा जाना था कोर्ट में। द क्वेश्चन वॉज इफ वॉकर वॉज टाइड अप विद द कोर्ट ही वुड रन, हु वुड रन द कैंपेन, अगर वॉकर कोर्ट में, सॉरी हाउ हाउ वुड ही रन द कैंपेन, अगर वो कोर्ट में चला गया तो कैंपेन कैसे रन करेगा। वॉकर्स आंसर वॉज टू रजिस्टर विद द कोर्ट एंड देन हैव समवन एल्स शो अप विद द पुलिस एवरी डे देयर आफ्टर। व्हाई नॉट, ही सेड, यू नो ऑल निगर्स लुक अलाइक एनीवे। खुलता है जाओ ना, कोई बात नहीं, कोर्ट में अपना नाम लिखवा दो और कभी कोई काला चला जाएगा, अगर कोई काला चलाया, हम सब तो काले ही हैं, क्या फर्क पड़ता है। बोलता है स्टुअर्ट वॉज अ ह्यूज फिगर इन बर्मिंगम, स्टुअर्ट बड़ा फेमस आदमी था, एवरी अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर लिसन टू हिज शो, उसका शो हर कोई सुनता था। द सेकंड पार्ट ऑफ हिज मैसेज इन हिज टू हिज लिसनर वॉज ब्रिंग योर टूथ ब्रशेस, उसने कहा था मैसेज में क्या, अपने ब्रश लेकर आना, बिकॉज लंच विल बी सर्व्ड, क्योंकि लंच भी मिलेगा। टूथ ब्रशेस वॉज अ कोड फॉर बी ड्रेस्ड एंड प्रिपेयर टू बी टू स्पेंड अ फ्यू नाइट्स इन द जेल। ब्रश लेकर आना, क्यों, सोचता है जेल में रात गुजारनी पड़े, तो कल से आप लोग भी ब्रश लेकर आइएगा। नहीं, हमारे यहां कोई लंच नहीं मिल रहा है। इट्स अ गुड वन।